वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्य में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा है। कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। इसमें अमरावती से नवनीत राणा, बारामती सीट से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उज्जवल निकम जैसे नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं लक्षद्वीप लोकसभा मतदार संघ में अजीत पवार के एनसीपी उम्मीदवार को सिर्फ 201 वोट मिले हैं। यह सीट एनसीपी की थी, लेकिन एनसीपी के बंटवारे के बाद यहां के सांसद मोहम्मद फैजल शरद पवार के साथ रहे। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार एनसीपी की तरफ से यूसुफ टीपी मैदान में थे। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद हमदुल्ला सईद को जीत हासिल हुई। वहीं उन्हें 25,726 वोट मिले। शरद पवार गुट के उम्मीदवार मोहम्मद फैजल को 23,079 वोट मिले हैं। वहीं अहमदनगर से एनसीपी शरद पवार गुट के नीलेश लांके ने जीत हासिल की है।